प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज हमारे हाथ में है आज की जो इंग्लिश आर्ट्स की परीक्षा हुई है बिहार बोर्ड 12वीं की, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको अगले कुछ मिनट में मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये सेट है जी, लेकिन आप मिला सकते हैं चूंकि ऑन स्क्रीन है सब कुछ, तो मैं जल्दी जल्दी इसका आंसर करने वाला हूं। चूंकि आज हमारे यहाँ ऐसा है कि इंटरनेट की कुछ समस्या है, इसलिए मैं लाइव आकर के आपको ये सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूं, और इसी कारण थोड़ी सी देर भी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं ये सारा क्वेश्चन आपको 10 मिनट के अंदर में सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जितनी जल्दी जल्दी हो सकता है मैं करने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बिना किसी बाध्यता के, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फिनिश इट डैश टू डेज, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद इन टू डेज, यानी डी करेक्ट आंसर है। पहले क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी हर सेल्फ, तो ए सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है अवॉइड डैश तो स्मोकिंग, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है सी नीड्स अ सूट, और ये क्वेश्चन टैग से आपका प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि डजंट सी। तो चार क्वेश्चन हो गए, पांचवें में चलिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन कहता है द फ्यूनरल डैश आर ओवर, तो राइट, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। और छठा क्वेश्चन है वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, तो आर यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है छठे क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन है ही इज डैश हिज फ्रेंड्स, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि टू करेक्ट आंसर है सातवें प्रश्न का। आठवां प्रश्न है स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है आठवें प्रश्न का। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न क्या कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच से है, तो कहता है कि अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। दसवां प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न कहता है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो बी यानी कि मे, बी आपका करेक्ट आंसर है। और ग्यारहवां प्रश्न है योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल सेंट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। बारहवां प्रश्न देख लीजिए, बारहवां प्रश्न है आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है बारहवें प्रश्न का। तेरहवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तेरहवां प्रश्न हमारा है द सिनोनिम्स ऑफ थिन इज, डी आपका करेक्ट आंसर है स्लिम, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है स्लिम। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, यहाँ पे सरप्राइज्ड है तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज्ड एट लगता है, सरप्राइज के साथ बाई नहीं लगता, ये मैंने आप लोगों को बताया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है चौदहवें प्रश्न का। पंद्रहवां प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी यानी शक्तिशाली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपको वीक हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई एम गुड डैश टेनिस, तो गुड एट सब्जेक्ट होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलहवें प्रश्न का। अब सत्रहवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सत्रहवां प्रश्न देखिए क्या है। सत्रहवां प्रश्न आपका है सी इज डैश ऑफ हर फोर्स, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कंसियस। और अठारहवां प्रश्न डैश पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, तो मेनी पीपुल सी आपका करेक्ट आंसर है। और उन्नीसवां प्रश्न है मोर देन 60 बॉयज, मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन, तो ए आपका करेक्ट आंसर है हैव। अब आ जाइए यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज हो, इसलिए नन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है बीसवें प्रश्न का। इक्कीसवें प्रश्न की ओर चलिए, इक्कीसवां प्रश्न क्या कहता है, इक्कीसवां प्रश्न है द मैन केम डैश, तो डी यानी कि इमीडिएटली आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए बाईसवें प्रश्न, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, तो ए यानी कि सफर, तो सफरिंग फ्रॉम लगता है, यहाँ एट लगा हुआ, यानी ए जो है आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। द प्यून रिंग्स द बेल, सी आपका करेक्ट आंसर है 23वें प्रश्न का। 24वां प्रश्न चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो नॉलेज की जो स्पेलिंग होती है वो ए में आपका सही है नॉलेज। आ जाइए 24वें प्रश्न का ए आंसर हो गया। 25वें प्रश्न की तरफ आते हैं, 25वां प्रश्न आपका क्या कहता है, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, तो डी आपका करेक्ट आंसर है, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री। 26वां प्रश्न ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर है विल। 27वां प्रश्न इट डैश वेन वी वेंट आउट, वाज रेनिंग, ये टाइम एंड टेंस है आपका कि दो सेंटेंस होते हैं तो जुड़े होते हैं वेन से, तो एक तरफ वाज वर होता है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है इसका, आपका वाज रेनिंग।
ही सेड दैट ही कुड डू इट हरसेल्फ, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, ही सेड आई, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 28वें प्रश्न का। 29वें प्रश्न की तरफ आ जाइए, 29वां प्रश्न क्या कहता है, 29वां प्रश्न कहता है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई आई एम डूइंग माई होमवर्क, बी आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। और 30वां प्रश्न माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यूट अ करियर इन इंजीनियरिंग, तो प्रैक्टिस यानी ए आपका करेक्ट आंसर है इसका। 31वें प्रश्न चूज द करेक्ट सेंटेंस, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है 31वें प्रश्न का। 32वां प्रश्न आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है। 32वें प्रश्न की तरफ आ जाइए, 32वां प्रश्न आपका क्या कहता है, 32वां प्रश्न है अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, तो सी का जो सक्सेसफुल है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। 34वें प्रश्न का 35वां आई शैल राइट अ लेटर, लेटर विल बी रिटन बाय मी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। 36वां प्रश्न है ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड पॉपुलर, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर हो गया आपको 36वें प्रश्न का। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, 37वां प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न देख लीजिए, तो 37वां जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा पतला कर देता हूं, बड़ी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने, हाँ चलिए थोड़ा सा पतला कर दिया। तो 37वें प्रश्न की तरफ आते हैं, 37वां प्रश्न हमारा क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ही इज इन गुड हेल्थ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। और 38वें प्रश्न आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ही में वेंट लगा हुआ है, तो सी करेक्ट आंसर है। 38वें प्रश्न का 39वां प्रश्न ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। देयर इज अ विलेज बेंथ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑन होता तो आप लगा सकते थे लेकिन ऑन नहीं है ऑप्शन में, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पैटर्न, तो बी आपका करेक्ट आंसर है, फॉरगिव। और उसके बाद 60 पीपल मींस, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है 43 क्वेश्चन का। चूज द करेक्ट सेंटेंस वी नीड गुड फूड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है 44th क्वेश्चन का। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन, एवरीबडी हैज टू पे फॉर, ए आपका करेक्ट आंसर है 45 क्वेश्चन का। वी आर डिपेंडेड ऑन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 क्वेश्चन का। डैश गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी मस्ट अप्रोच हिम, ही मस्ट बी अप्रोच्ड, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, चलते हैं हम लोग 49th क्वेश्चन की तरफ, 49th क्वेश्चन क्या है, 49th क्वेश्चन कहता है पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फर्दर, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑड वन, यहाँ पे देखिए तीनों जो है जो फेमिनिन जेंडर से है, वुमेन गर्ल और लेडी, जबकि मैन जो है ये मैस्कुलिन जेंडर से, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टूडे, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू डैश टीप एट 5, तो डू यू हैव, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन, एडिबल, एडिबल यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, राइस एंड करी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, इज डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वें प्रश्न का। तो चलिए 56 प्रश्न हो गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। 57वें प्रश्न की तरफ, ओपन द डोर प्लीज, इसमें कहता है कि एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो ओपन का एंटोनिम्स यानी कि क्लोज, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। ही आस्क व्हाट इज द टाइम, ही आस्क व्हाट, अब यहां आस्क एक ही में है, इंक्वायर्ड कहीं है नहीं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 59वां क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्लेंटी जो है करेक्टली स्पेल्ड यहां सी में है। और हैव यू रेड, महाकाव्यों के नाम के पहले, ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 प्रश्न हो गए हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते जा रहे हैं। 61वां प्रश्न, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास, वाल्ट व्हिटमैन, करेक्ट आंसर सी। स्नेक्स वेयर सीन अमोंग बुक्स, माई ग्रैंड मदर हाउस, सी करेक्ट आंसर। द एंग्लो सैक्सन यूज्ड जर्मनिक, यानी सी करेक्ट आंसर। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इनक्वायर्ड पावर, ए करेक्ट आंसर। When the poet saw the snake, it was very hot day. ये
स्नेक से है, यानी डी आपका करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर था आपको 64 का, 65 का है डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, ए करेक्ट आंसर है। ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज, एज ऑफ एंजाइटी, सी आपका करेक्ट आंसर है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाए, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, हाउ टू लोड और टू एटम, ए करेक्ट आंसर है। बटन ए डब्ल्यू रसल वाज ब्रिटिश फिलोसफर, डी करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत तेजी से हम लोग करते जा रहे हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवे, सेवे द आर्टिस्ट, आंख बंद करके बी लगा सकते हैं आप, सेवे। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड इज बॉर्न, ए करेक्ट आंसर है, आंख बंद करके लगा सकते हैं। प्री पीपुल मस्ट सी टू द व्हेन द प्रेस कम्स, प्रेस, डी करेक्ट आंसर है, आंख बंद करके लगा सकते हैं। टूडे डैश, अब ब्रिटिश लिंगवा या अमेरिकन, तो ब्रिटिश है नहीं, चलिए अमेरिकन, ए करेक्ट आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, इसी के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज, डी करेक्ट आंसर है। 74 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। मनोहर मालगोंडकर, आंख बंद करके इंडियन, ए करेक्ट आंसर है। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, जी बी सॉ, ए करेक्ट आंसर है आपका। वेन आई क्रम्बल, एनी पीट आपसे, आंख बंद करके लगा सकते हैं, सबसे छोटी कविता है। डस्ट होम, यहाँ ये द सोल्जर से, बी करेक्ट आंसर है आपका। इब्रो कैबरी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, सी करेक्ट आंसर है आपका। इब्रो कैबरी ह्यूमन लॉ, ये ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इज टेकन फ्रॉम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। 79 क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी हो गए हैं, चलिए आगे आते हैं। 80 नंबर, टावर ऑफ साइलेंस पायर हैम से लिया गया है, बी करेक्ट आंसर है। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, इंडिया, ये भारत इज माई होम से लिया गया है, ए करेक्ट आंसर है। द स्टेट ऑफ डैशिंग, अब ये लिया गया है आपको, आई हैव अ ड्रीम, डी करेक्ट आंसर है। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, पॉलिटिशियन, सी करेक्ट आंसर है। ओ हाउ फीबल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे पहली पोएट्री है, बहुत अच्छे से याद है आपको। 84 क्वेश्चन हो गए हमारे, 85 क्वेश्चन में आइए। 85th क्वेश्चन कहता है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, ए करेक्ट आंसर है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद जॉन ड्राइडन, बी करेक्ट आंसर है। द डैश हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडस्ट्रीज, डी इंग्लिश इज यूज एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, ए करेक्ट आंसर है। 88 क्वेश्चन हो गए, बड़ी धराधरम लोग किए जा रहे हैं, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। एंड मस्ट वेट स्नेक से लिया गया है, डी करेक्ट आंसर है। हु रोट समर इन कलकत्ता, कमला दास, ए करेक्ट आंसर है। इन वाल्टर डेला मेयर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलेंकोली, सी करेक्ट आंसर है। माय टंग एवरी एटम सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, बी करेक्ट आंसर है। चलिए 92 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़िए। 93 ही हैड द लुक ऑफ बींग अ सिंपल हार्टेड मैन, द अर्थ, बी करेक्ट आंसर है। पर्ल एस्पक इज अ राइटर ऑफ बुक्स कम माई बिलॉव्ड, बी करेक्ट आंसर है। द नेम ऑफ लोमोव डॉग गेस, बी करेक्ट आंसर है। मैरिज प्रपोजल, नानू काका स्टोर्ड इन द डोरबे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, सी करेक्ट आंसर है। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, ए करेक्ट आंसर है। 97 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर दिया है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, आंख बंद करके डी करेक्ट आंसर है। द मदर ऑफ वेद, ये कहते हैं कि क्या उन्होंने मैनेज कर लिया होगा, वेन एवर ही वांटेड, जब उन्होंने चाहा होगा, जब वो चाहेंगे उन्होंने कुछ न कुछ व्यवस्था कर ली होगी, बी करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसअपीयर, बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ ये हमारा जो सेशन है ये खत्म होता है यहीं पे आकर के, और ये लिंक आप अपने बच्चों से साझा कर सकते हैं। 100 आंसर ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, अब साइंस के आंसर के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, शुभरात्रि।